खेत में खेती के कार्य के दौरान एक मगरमच्छ का बच्चा मिला। युवकों ने इस बच्चे को सुरक्षित फावड़े से उठाकर एक स्टील के बर्तन में डाला। तत्पश्चात युवकों ने इस मगरमच्छ के बच्चे को सुरक्षित तरीके से इरई नदी के प्रवाह में छोड़ा। इस मगरमच्छ के बच्चे के संबंध में इन युवकों ने क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं इस खबर में। अभी कुछ दिनों पहले चंद्रपुर जिले के साथ अनेक जगहों पर भारी बरसात और बाढ़ ने कहर मचाया था, जिससे हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ नागरिकों का भारी नुकसान हुआ। महानगर क्षेत्र के कुछ वार्डों में पानी जमा होने से हर तरफ बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई थी। कुछ युवकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वडोली गाँव के खेत में जब रोपाई का काम चल रहा था, उसी दरमियान हकीकत में उन्हें मगर का एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। हालांकि यह काफी छोटा था, इसलिए यह युवक घबराए नहीं और इन युवकों में एनसीसी कैडेट सूरज गोचे के साथ उसके दूसरे मित्र एनसीसी कैडेट सुरेश केडरकर, साथ ही एनएसएस के समीर विरुटकर, इन्होंने फावड़े के सहारे उस मगरमच्छ के बच्चे को सुरक्षित तरीके से स्टील के एक बर्तन में डालकर खेत से थोड़ी दूर पर बहने वाली इरई नदी में ले जाकर उसे छोड़ा। तो सुनिए इस संदर्भ में इन युवकों ने क्या जानकारी दी, स्वयं उन्हीं की जुबानी। माझ्या शेतावर गेल्यावर रोवणीचे काम चालू होते, तिथे एक छोटासा मगराचं पिल्लू आढळलं। तर सुरुवातीला आम्हाला खूप भीती वाटली, परंतु त्याचा आकार लहान असल्यामुळे तेवढं काही वाटलं नाही, परंतु पूरग्रस्त स्थितीमुळे ते आले असावे असं आम्हाला वाटलं। आणि सतत पाऊस चालू असल्यामुळे ते आले असावे मगरीचे पिल्लू। आणि सूरज गोचे आणि सूरज केडजरकर ते तिघं दोघं पण शेतामध्ये उतरून त्या किल्ला पावड्याने कुठलीही इजा न पोहोचवता एका स्टीलच्या भांड्यामध्ये भरले आणि 200-300 मीटर वर असलेल्या इरई नदीमध्ये आम्ही त्याला परत सोडले। साथ ही इको प्रो के बंडू धोत्रे ने भी बरसात के अवसर पर घरों में कुछ जानवर घुसने के संबंध में नागरिकों से अपील करते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हें की वाणी। मागील 15 दिवसापासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे सर्वत्र जलमय अशी परिस्थिती झालेली आहे। अनेक भागात पूर परिस्थिती सुद्धा निर्माण झालेली आहे आणि ह्या वाढलेल्या पाण्यामुळे आपल्या बिडात असणारे साप किंवा इतर जे प्राणी आहेत ते बाहेर पडू लागलेले आहे। इतरही वन्य प्राणी या मानवी अधिवासात किंवा मानवी अधिवासाजवळ दिसू लागलेले आहे। अशा परिस्थितीत हे जर वन्य प्राणी आढळून आल्यास नागरिकांनी आपल्या नजीकच्या वनविभागाला किंवा नजीकच्या सर्पमित्रांना माहिती दिल्यास आपली भीती दूर करणे आणि या जीवांचे जीव वाचवणेसुद्धा सहज शक्य होणार आहे। तर या दृष्टीनं खबरदारी बाळगत याची माहिती नागरिकांनी वनविभागाला द्यावी। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट।